नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग पे बैकग्राउंड को देख के आप समझ गए होंगे कि ये जो व्लॉग है वो पूरी तरह छठ के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे फॉरबिसगंज बिहार में छठ कैसे मनाया जाता है। इस वीडियो में मेरे साथ आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको मैं स्टेप वाइज स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी। वैसे जो ये हमारा छठ पर्व है, ये टोटल 4 दिनों का होता है। पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा दिन होता है खरना, तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ, और जो चौथा दिन होता है वो होता है सुबह का अर्घ। ये 4 दिन का महापर्व है। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगा। छठ पूजा में नहाए खाए का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही पर्व की शुरुआत होती है। नहाए खाए के दिन प्रति स्नान करके सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें की लौकी की सब्जी जरूर होती है। खरना के दिन रोटी या पराठा, साथ में गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। खरना के दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रत रखने वाला तैयार करता है और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करता है। संध्या अर्घ के दिन लोग सुबह से ही अपने अपने घाटों की साफ सफाई में लग जाते हैं और उन घाटों को अपने अपने हिसाब से सजाते भी हैं। जब घाट सजकर तैयार हो जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। सुबह के वक्त जब लोग अपने अपने घाटों को सजाने में व्यस्त होते हैं तो हमारे घर की महिलाएं उस वक्त अपने अपने घरों में ठकुआ बनाते हैं। और अब सूप को तैयार किया जा रहा है घाट पे ले जाने के लिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं संध्या अर्घ के लिए अपने घाट पे, जो कि सुल्तान पोखर में बना हुआ है।
सुल्तान पोखर के बिल्कुल पास ही सूर्य भगवान का एक पंडाल भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था संध्या अर्घ का नज़ारा जो अभी आपने देखा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अभी बने रहें क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगा सुबह अर्घ का नज़ारा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे 3:30 और हम लोग रेडी हैं अब सुबह का अर्घ देने के लिए। तो हम लोग पहुंच रहे हैं घाट पे, तो आइए हम लोग आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ सुबह का अर्घ कैसा होता है। तो आइए, तो फ्रेंड्स अब सुल्तान पोखर के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ कोठी घाट, जो कि फॉरबिसगंज में ही स्थित है और यहाँ पे छठ पूजा बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं कोठी घाट।
तो फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस आ चुके हैं सुल्तान पोखर, क्योंकि हमारा घर यहीं पे बना हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सूर्योदय हो चुका है और सूर्योदय होते ही यहाँ काफी हलचल हो चुकी है। गाइज, मैं अभी आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपनी वाइफ मिनी से। तो मिनी, कुछ छठ के बारे में कहना है? हम लोग छठ पर बहुत अच्छा लगता है, मनाते हैं, और छठ पर हम लोग यहाँ फारबिसगंज में मना रहे हैं। हाँ, तो अब आप हमको बताइए कि छठ आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और कुछ? राधे राधे। अभी हम लोग घाट पे आए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। हेलो मैडम, कुछ बोलना है? एक मिनट, आप मिलिए मेरी बेटी से। बोलो बेटा। तो बताइए, आपको कैसा लग रहा है छठ पे? बस इतना ही अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, ये था फारबिसगंज का छठ पूजा। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।